ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन हम जब भी मिलते हैं सेट पे, मतलब मोस्टली तो साथ ही रहते हैं, बस यही जो लड़कियां काम करती हैं, गॉसिप, डिस्कशन, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज. बींग एन एक्टर उनमें एक अच्छी चीज़ है कि उनका आगे तक की स्टोरी का ग्राफ उनको पता होता है कि क्यों ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड. अच्छा, अगर मैं स्टार कास्ट की बात करूँ तो उनके साथ किस तरह की बॉन्डिंग है? देवीना है, बाकी भी लोग वहाँ पे क्रिप है? या एक्चुअली क्रिप से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई क्योंकि क्रिप के साथ मेरा सीन ही नहीं हुआ एक भी. और आई थिंक मैं जब से आई हूँ तब से मैंने उनको देखा भी नहीं है सेट पे. उनका एक दो बार जो शूट हुआ है वो दूसरे सेट पे हुआ है उनका शूट. और जो हमारा जहाँ पे सेट बना हुआ है बेसिकली इट्स अ बंगलो, वहीं पे ही हम सारा 3 फ्लोर का बंगलो है, उसमें ही हर जगह कैमरा चलता रहता है. मूव इन में कभी फर्स्ट फ्लोर, कभी ग्राउंड फ्लोर, कभी सेकंड फ्लोर, ऐसे ही चलता है. पर मेरी जो स्टार कास्ट है उसमें मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी जो क्लोज़ फ्रेंड है वो है सबरीना, जो कि देबीना प्ले कर रही, मतलब देबीना जो प्ले कर रही है सबरीना कैरेक्टर. बेसिकली शी इज़ अ विश कन्या जो बनी है. आई थिंक मेरी उनसे सबसे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हुई है ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन. हम जब भी मिलते हैं सेट पे, मतलब मोस्टली तो साथ ही रहते हैं, तो हम बस यही जो लड़कियां काम करती हैं, गॉसिप, डिस्कशन, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, बस वही सब बकचोदी करते हैं हम अपनी. अच्छा, देवीना को भी मैं पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानती ना लेनी, और आपको भी कितने बार इस तरह की बातों पे आपको फंसे होंगे, यार अभी बिल्डिंग बनना, जैसे इस छत पे बैठना है, उसने बोला मुझे अभी ये करना है, वो सारे टॉपिक पे जब आप लोग को स्क्रिप्ट मिलता है ये करना, तो कितने बार उस चीज़ों पर आप लोग हंसते हो? एक्चुअली मैं एक चीज़ बता दूँ, देबीना की ना सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो कुछ भी बोलती है ना तो मुझे बड़ा फ़नी लगता है उनकी, क्योंकि एक तो उनको एक्सपीरियंस बहुत है इस इंडस्ट्री में, मुझसे पहले से वो काफ़ी ज़्यादा सीनियर है. एंड द गुड थिंग इज़ शी ऑलवेज हैव लॉट ऑफ लॉजिक एंड वो सब डिस्कशन उनका पहले ही, मतलब आगे बींग एन एक्टर उनमें एक अच्छी चीज़ है कि उनका आगे तक की स्टोरी का ग्राफ उनको पता होता है कि क्यों ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड. और उनसे सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है. और बाकी हम जब मस्ती कर रहे होते हैं तो हम मस्ती मस्ती में सीन कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, मतलब हमारा लड़ाई झगड़े हो, चाहे फिर वो हमारा टशन दिखाए शो के अंदर, तो हम ऐसी मस्ती मस्ती में कर देते हैं सीन एक दूसरे के साथ.